अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी राइट्स। नाज़रीन मोहतरम, मौजूदा दौर में आलमी वबा कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखा है, यह वायरस चूंकि एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने वाला है, लिहाजा इससे मुतासरा शख्स को करंथीना में रखा जाता है, यानी इसे कई दिनों के लिए बाकी लोगों से अलग और दूर रखा जाता है, जिससे इस बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर करंटीना का लफ्ज़ ईजाद किसने किया और सबसे पहले इसका मशवरा किसने दिया था। लेकिन इससे कबल तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल रियलिटी राइट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। नाज़रीन मोहतरम, लफ्ज़ करंटीना इस वक्त दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। ये मस्कुरा लफ्ज़ सबसे पहले अजीम मुसलमान साइंसदान दान इब्न सीना ने कई सौ साल पहले ईजाद किया था। इन्होंने करंटीना का फ़लसफ़ा पेश किया था कि कोई भी वबाई बीमारी जो कि किसी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुंतकिल हो, उसके लिए लाजिम है कि वो फौरी तौर पर करंटीना इख्तियार करें। उनके मुताबिक वबा के आने पर 40 रोज़ का करंटीना इख्तियार करना चाहिए ताकि वबा को फैलने से पहले कमज़ोर किया जा सके। व्यूअर्स, इसका जिक्र दान इब्न सीना ने अपनी एक किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन में किया था। इस अजीम मुसलमान साइंसदान की तहकीकात से आज दुनिया भर के साइंसदान और मेडिसिन कंपनियां फ़ायदा उठा रही हैं, जबकि हम एक मुसलमान कौम जो अपने अजदाद की बेजा खिदमात के बावजूद अब दुनिया के तमाम शोबों में बहुत पीछे हैं। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।